वन आज हम क्लास टेंथ की इंग्लिश फर्स्ट फ्लाइट के चैप्टर फोर फ्रॉम द डायरी ऑफ एंड फ्रेंक के क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करेंगे इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है वॉट मैक्स राइटिंग इन अ डायरी अ स्ट्रेंज एक्सपीरियंस फॉर एंड फ्रेंक तो एंड फ्रेंक के लिए डायरी लिखना क्यों स्ट्रेंज एक्सपीरियंस था आंसर इज राइटिंग इन अ डायरी वॉज अ स्ट्रेंज एक्सपीरियंस फॉर एंड फ्रैंक एश शी हैड नेवर रिटर्न एनी थिंग लाइक दिस क्योंकि उसने इसके पहले कुछ भी इस तरह का नहीं लिखा था क्वेश्चन नंबर टू वाई डज़ एन वॉन्ट टू कीप अ डायरी एंड डायरी क्यों रखना चाहती थी आंसर है एन वॉन्ट्स टू कीप अ डायरी एश डिडन्ट हैनी फ्रेंड एंड डायरी इसलिए रखना चाहती थी क्योंकि उसके कोई दोस्त नहीं थे और वो कहती है कि मैं डायरी को ही अपना दोस्त बनाना चाहती हूँ और आपको पता है कि उसने अपनी डायरी का नाम भी रखा था किटी क्वेश्चन नंबर थ्री वाई डिड एन थिंक शी कुड कन्फाइड मोर इन हर डायरी दैन इन पीपल तो एन को ऐसा क्यों लगता था कि वो डायरी में ज़्यादा विश्वास कर सकती है बजाय लोगों के आंसर इज़ एन फैल दैट पेपर हैड मोर पैशन्स दैन पीपल तो एन को क्या लगता था उसके अनुसार जो है जो कागज़ होता है या पेपर होते हैं उनमें ज़्यादा धैर्य होता है सुनने का बजाय लोगों की इसलिए वो डायरी में ही लिखना चाहती थी क्वेश्चन नंबर फोर वाई डज एन प्रोवाइड अ ब्रीफ स्केच ऑफ अर लाइफ अब डायरी डायरेक्ट लिखना ना शुरू करके एन ने पहले अपने परिवार का थोड़ा परिचय दिया तो उसने ऐसा क्यों किया आंसर इज बाय प्रोवाइडिंग द ब्रीफ स्केचेस ऑफ आर लाइफ एंड वॉन्ट्स टू डेवलप अ कनेक्शन ऑफ रीडर विद द आथर तो वो पहले अपना सब कुछ बताती है कि किस तरीके से आ, मेरे परिवार में कौन कौन लोग हैं और फिर ये भी बताती है कि आ, क्या हुआ था फिर दादी का कैसे क्या बर्थडे वगैरह सब चीज़ इश्यूज़ बताती हैं फिर वो अपनी डायरी लिखना शुरू करती है तो वो ये ऐसा इसलिए करती है ताकि वो एक कनेक्शन हो जाए रीडर का उससे और उनको उसके पढ़ने में रुचि आए क्योंकि वो पहले ही कहती है कि Uh, तेरह साल की लड़की की डायरी को पढ़ने में किसी को क्या इंटरेस्ट आएगा तो इसलिए वो इस तरह से डायरी लिखना चाहती है कि लोग उसको समझ जाएं पहले क्वेश्चन नंबर फाइव फॉट टैल्स यू दैट एन लव हर ग्रांड मदर कैसे आपको पता चलता है कि एन अपनी दादी को प्यार करती थी आंसर इज हर स्टेटमेंट दैट नो वन कुड अंडरस्टैंड हर इंटेंसिटी ऑफ लव फॉर हर ग्रांड मार टैल्स दैट शी लवड हर ग्रांड मदर तो उसने जब ये एक कहा कि कोई उसके प्यार की इंटेंसिटी जो उसकी दादी के लिए थी उसको नहीं समझ सकता इसका मतलब है कि वो अपनी दादी को बहुत प्यार करती थी क्वेश्चन नंबर सिक्स वाई वाज़ मिस्टर किसिंग एनआड विद एंड वाई व्हाट डिड ही आस्कर टू डू तो उसके जो एन के टीचर थे मिस्टर किसिंग वो उससे क्यों नाराज़ थे और उन्होंने उसे क्या करने के लिए कहा तो एक्चुअल में जो मिस्टर किसिंग थे वो तो मैथ्स टीचर थे लेकिन वो नाराज क्यों थी आंसर इज मिस्टर किसिंग वॉज वाज वेरी टॉकेटिव ही पनिश्ड हर बाय गिविंग हर एक्स्ट्रा होमवर्क टू राइट ए सी ऑन द सब्जेक्ट अ चैट्टर बॉक्स मिस्टर किसिंग एन से इसलिए नाराज थे क्योंकि वो बहुत बातूनी थी और इसके लिए उन्होंने उसे एक्स्ट्रा होमवर्क दिया और वो होमवर्क था एक निबंध लिखना और निबंध का विषय था चैटरबॉक्स जो वो बात करती थी बातुनी होने पे ही उसने निबंध लिखने के लिए कहा क्वेश्चन नंबर सेवन हाउ डिड एन जस्टिफाई हर बींग चैटर बॉक्स इन हर ऐसे अब एन भी समझ गई थी कि चैटर बॉक्स का ही ऐसे लिखने के लिए उसको क्यों कहा गया है तो उसने भी अपनी बात जस्टिफाई करी उसने लिखा एन जस्टिफाइड फॉर बींग हर बींग और चैटर बॉक्स इन हर ऐसे बाय एक्सप्लेनिंग दिस नथिंग कैन बी डन अबाउट द इनहेरिटेड ट्रैक्स तो उसने ये कहा कि वो चैटरबॉक्स है लेकिन इसमें वो कुछ भी नहीं कर सकती क्यों क्योंकि ये तो उसकी जो वंशानुगत आदत है क्योंकि उसकी माँ भी बहुत बात करती थी तो वो इसलिए भी वो भी बात करती है तो इस आदत को बदला नहीं जा सकता इस तरह से उसने अपनी आदत जस्टिफाई की क्वेश्चन नंबर एट डू यू थिंक मिस्टर किसिंग भाज ए स्ट्रिक्ट टीचर तो जो मिस्टर किसिंग थे क्या वो एक सख्त टीचर थे क्या आंसर इज़ नो मिस्टर किसिंग वाज नॉट अ स्ट्रिक्ट टीचर बिकॉज इफ ही हैड बीन स्ट्रिक्ट ही वुडेंट हैव इट एंड फनी आर्ग्यूमेंट्स मिस्टर किसिंग अगर सख्त शिक्षक होते तो वो टीचर स्ट्रिक्ट नहीं थे क्योंकि अगर वो स्ट्रिक्ट होते तो वो जो एन ने अपने फ़नी आर्ग्यूमेंट्स दिए बात नहीं होने के उन पर उनको हंसी नहीं आती क्वेश्चन नंबर नाइन व्हाट मेड मिस्टर किसिंग अलाउड एन टू टॉक इन क्लास मिस्टर किसिंग ने एन को बात करने के लिए क्यों अलाउ किया आंसर है एन इज लास्ट एसे ए इन द फॉर्म ऑफ ए पोएम शोड मिस्टर किसिंग द लाइटर साइड ऑफ ए नोटी चाइल्ड जब टीचर जो एन न, को बार बार ऐसे लिखने के लिए दे रही थी तो जब उसने तीसरी बार जो लास्ट ऐसे लिखा और वो उसने पोएट्री फॉर्म में लिखा और जिस तरह से उसने ऐसे लिखा तो उससे मिस्टर के समझ गए थे कि उसके अंदर एक शरारती बच्चा छुपा हुआ है तो उस समझ गए कि अब इसका कुछ किया नहीं जा सकता इसलिए उन्होंने उस, उसको क्लास में बात करना अलाउ कर दिया ये इसके शॉर्ट कश क्वेश्चन थे और कुछ थोड़े लॉन्ग क्वेश्चन भी हैं थिंकिंग अबाउट द टेक्सट पे बेस्ड जो क्वेश्चन है उनको भी देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर वन वॉज एंड राइट फैंस यू सेट दैट द वर्ल्ड वुड नॉट बी इंटरेस्टेड इन द म्यू सिंग्स ऑफ अ थर्टीन ईयर ओल्ड गर्ल क्या एन सही थी कि जब वो ये कहती कि, कि किसी को भी तेरह साल की लड़की के लिखे में कोई इंटरेस्ट नहीं आएगा तो यस एन वॉज राइट वैन शी सेट सो बिकॉज मोस्ट ऑफ द पीपल डोंट वॉन्ट टू गिव इम्पोर्टेंस टू अ चाइल्ड्स पर्स्पेक्टिव टूअर्ड द वर्ल्ड बिकॉज दे आर टू इमेचोर फॉर द वर्ल्ड क्योंकि जनरली यही होता है लोग बच्चे की बातों को या बच्चों का क्या नज़रिया है दुनिया को देखने का उस पर महत्व नहीं देते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि बच्चे अभी बहुत ही इमेच्योर हैं इतने वयस्क नहीं हैं कि वो दुनिया समझ सके इसलिए उनकी भावनाओं को महत्व नहीं देते क्वेश्चन नंबर टू दे आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ ए डायरी या जनरल एंट्रीज इन द बिफोर यू रीड सेक्शन कंपेयर दिज विद वॉट एंड राइट्स इन हर डायरी वॉट लैंग्वेज वाज द डायरी ओरिजिनली रिटर्न इन इन वॉट वे इज आंस डायरी डिफरेंट तो आपको ये बताना है कि एन ने डायरी किस लैंग्वेज में लिखी और उसकी डायरी क्यों अलग थी आंसर है इट वाज ओरिजिनली रिटर्न इन डच डच लैंग्वेज में लिख रखी थी, थी उसने और बाद में फिर जो है उसे अलग अलग लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया गया इट इज़ इनफॉर्मल टोन एंड शी ट्रीटेड हर डायरी एज़ अ ट्रू फ्रेंड तो ये डायरी इसलिए अलग थी क्योंकि ये बिल्कुल ही इनफॉर्मल थी ये चूँकि वो डायरी को अपना फ्रेंड मान रही थी इसलिए जो है ये टोन जो था उसका बड़ा ही इनफॉर्मल था क्वेश्चन नंबर थ्री वाई डज एन नीड टू गिव अ ब्रीफ स्केच अबाउट हर फैमिली डज शी ट्रीट किट ही एज एन इनसाइडर और एन आउट आउटसाइडर तो एन ने ब्रीफ स्केच क्यों दिया तो so, ये आंसर जो हम पहले लिख चुके हैं वही लिखेंगे कि एन गिव एन इंट्रोडक्शन ऑफ अवर फैमिली इन अ डायरी बिकॉज शी वॉन्ट्स टू डेवलप अ कनेक्शन ऑफ रीडर विद द आथर तो वो फैमिलियर करना चाहती थी रीडर्स को अपनी uh, बारे में इसलिए किटी वॉज एन आउटसाइडर बट शी कंसिडर एट हर बेस्ट फ्रेंड एंड टी इट एज एन इनसाइडर तो किटी घर की जैसी थी किटी जो उसकी डायरी थी वो आउटसाइडर थी या इनसाइडर तो थी तो वो आउटसाइडर लेकिन उसे वो अपना दोस्त मानती थी और उसके साथ इनसाइडर जैसा बिहेव करती थी क्वेश्चन नंबर फोर हाउ डज एन फील अबाउट हर फादर ग्रांड मदर मिस्टर क्यूप्रेस एंड मिसर किसिंग व्हाट डू यू टेल व्हाट डू दिस टेल यू अबाउट हर तो uh, जो एन थी अपने पिताजी दादी और जो उसकी हेड मिस्ट्रेस थे मिसेस क्यूप्रेस और उसके मैथ्स टीचर किसिंग उनके बारे में क्या फील करती थी और इससे आपको एन uh, के बारे में क्या पता चलता है एन हैज स्वीट मेमोरीज ऑफ फादर ग्रैंड मदर मिसेस क्यूप्रेस एंड मिस्टर किसिंग तो ये इन सबको याद करती है हु हैव लेफ़्ट इन डेलेबल इम्प्रेशन ऑन हर माइंड और इनका उसके दिमाग पर विशेष प्रभाव है इट रिवेज दैट शी वॉज लवेबल एंड स्मार्ट चूँकि वो सभी को याद करती है इसका मतलब है कि एन खुद अपने आप में बहुत ही प्यारी है और स्मार्ट है क्वेश्चन नंबर फाइव वट डज एन राइट इन हर फर्स्ट ऐसे फर्स्ट ऐसे में इनने क्या लिखा फर्स्ट ऐसे आपको पता है कि चैटर बॉक्स पर उसको लिखना था तो इन द एस बीइंग टॉकेटिव वाज इन हर जीन्स एज अ मदर वॉज ऑल्सो वेरी टॉकेटिव तो सबसे पहली बात तो वो ये लिखती है कि जो बातचीत की उसकी आदत है वो उसके जीन्स में क्यों क्योंकि उसकी माँ भी बहुत बात करती है साथ ही वो ये भी लिखती है इट वॉज़ डिफ़िकल्ट टू गिव अप द हैबिट एंड इट वॉज ऑल्सो अ स्टूडेंट स्टेट वो लिखती है ये आदत को छोड़ना मुश्किल भी है और वैसे ही ये स्टूडेंट्स की नेचर में होता है क्वेश्चन नंबर सिक्स एंड सिज टीचर्स आर मोस्ट अनप्रेडिक्टेबल इज मिस्टर किसिंग अनप्रेडिक्टेबल एंड कहती है जब शुरुआत में कहती है कि हमारी वन फोर्थ क्लास तो फेल ही हो जानी चाहिए लेकिन टीचर्स का कुछ कहा नहीं जा सकता टीचर्स तो बहुत ही अनप्रडिक्टेबल होते हैं मतलब आप वो क्या करने वाले हैं आप पहले से उनके बारे में नहीं सोच सकते तो क्या मिस्टर किसिंग भी अनप्रेडिक्टेबल थे आंसर इज़ एन टू परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ मिस्टर किसिंग एज एन अनप्रडिक्टेबल टीचर तो एन अपनी तरफ से बिल्कुल ही सही थी क्योंकि उसने अपने टीचर का एक एक तरह से परफेक्ट एग्जाम्पल दिया है क्यों इनिशियली ही पनिस्डर बाई गिविंग एक्स्ट्रा होमवर्क पहले तो वो उसकी बात करने की आदत पर उसको बहुत सारा होमवर्क देते थे आफ्टर रीडिंग और एस एज ही इन्जॉयड ए गुड लफ लेकिन जब वो ऐसे लिखे उसने तो उन्होंने बहुत उसको एन्जॉय किया एंड अलाउड एंड टू टॉक इन द क्लास और एंड को फिर क्लास में बात भी करने दी अब कुछ ये वन वर्ड में ही आपको लिखना है कि एन फ्रेंक एज ए पर्सन आपको कैसे पता चलता है इन स्टेटमेंट्स से फर्स्ट स्टेटमेंट है वी डोंट सीम टू बी एबल टू गेट एनी क्लोजर एंड दैट द प्रॉब्लम मे बी इट्स माई फॉल्ट दैट वी डोंट कन्फाइड इन ईच अदर तो जो एन को लगता है कि उसके दोस्त वगैरह नहीं हैं तो हो सकता है ये मेरी गलती हो तो इससे क्या पता चलता है तो इसका से पता चलता है आंसर इज़ एन इज़ रिजर्व रिजर्व नेचर का है वो इतनी ओपन नहीं है कि लोगों से जल्दी घुल मिल जाए और बातें करे। क्वेश्चन नंबर टू आई डोंट वॉन्ट टू जेक डाउन द फैक्ट इन दिस डायरी द वी मोस्ट पीपल वुड बट आई वॉन्ट द डायरी टू बी माई फ्रेंड वो कहती है कि मैं डायरी में कोई फैक्ट नहीं लिखना चाहती जैसे लोग लिखते हैं बल्कि मैं डायरी को अपना फ्रेंड बनाना चाहती हूँ तो आंसर uh, क्या पता चलता है इससे शी इज़ सेल्फ कॉन्फिडेंट एंड इन्वेंटिव तो चूंकि उसने नए तरीके से डायरी को लिखना शुरू किया तो एन बहुत ही इन्वेंटिव थी मार्गरोट वैन टू हॉलैंड इन डिसम्बर एंड फाइलोड इन फेबररी वैन आई वॉज प्लंग डाउन ऑन द टेबल एज अ बर्थडे प्रजेंट फॉर मार्ग्रोट तो जब वो बताती है कि उनके पेरेंट्स तो पहले ही चले गए थे हॉलैंड लेकिन उनकी जो सिस्टर थी मार्गरेट वो दिसंबर में गई और मैं फैब में गई और मुझे एक तरीके से उसके बर्थडे प्रेजेंट के रूप में रखा गया टेबल पर तो ये इससे क्या पता चलता है शी इज़ ह्यूमरस एज वेल इसका मतलब है कि बहुत ही मज़ाक किया है क्वेश्चन नंबर फोर इफ़ यू आस्क मी दे आर सो मेनी डमीज दैट अबाउट अ क्वार्टर इन द क्लास शुड बी केप्ट बैक बट टीचर्स आर द मोस्ट अनप्रडिक्टेबल क्रिएचर ऑन अर्थ जब एन ये कहती है कि आप यदि मुझसे पूछे तो मैं कहूँगी कि हमारी क्लास में वन फोर्थ जो स्टूडेंट्स हैं उनको फेल हो जाना चाहिए लेकिन टीचर्स के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता तो आंसर क्या है इससे पता चलता है कि एन इज़ इंटेलिजेंट वो समझ रही है कि कितने पास होने लायक कि है कितने नहीं वो इंटेलिजेंट है <coughs> और लास्ट डे एनी वन को ऑन एंड लिव बिग स्पेस बिटवीन द वर्ड्स बट द ट्रिक वॉज टू कम अप विद कन्वेंसिंग एर्ग्यूमेंट टू प्रूव द नेसेसिटी ऑफ टॉकिंग तो जब पहली बार उसको ऐसे लिखने के लिए दिया था तो उसने उसको जब तीन चार पेज लिखने थे तो उसने ये कहा कि ठीक है कोई अगर और होता तो बड़े बड़े स्पेस बीच में वर्ड्स के बीच में छोड़ के जैसे बच्चे अपना होमवर्क करते हैं कि पेज उनको लिखने के लिए दिए जाते तो वर्ड्स के बीच में स्पेस छोड़ छोड़ के ऐसे वो काम चलाओ होमवर्क कर लेते हैं लेकिन उसका ये कहना था कि ये जो ट्रिक काम नहीं कर सकती क्योंकि उसे प्रूव करना है कि टाकिंग की ज़रूरत क्यों है तो इसका आंसर है शी हैज़ अ सेंस ऑफ प्रोप्राइटी एंड कन्विंसिंग एटीट्यूड तो वो अपनी बात को क्लियर करना जानती थी ठीक है तो ये इस लेसन के सारे क्वेश्चन आंसर्स हैं नेक्स्ट वीडियो में हम अगली जो पोएम है उसके क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करेंगे ओके थैंक यू स्टूडेंट्स